Dear students, in this lecture we will discuss about the crystal field splitting of square planar complexes. So, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब हम ऑलरेडी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ चुके हैं, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बाद अब इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सो फर्स्ट वी विल सी about three geometries we have already learned. Now this geometry is octahedral complex, and in case of octahedral complex all the ML bonds they are same. So all the ML bonds are same and this is regular octahedral. Regular octahedral mein kya hoga, sare 6 ML bonds wo barabar honge. अगर हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, जो कि हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में कर चुके हैं, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ जेड आउट डिस्टॉर्शन। सो इन केस ऑफ जेड आउट डिस्टॉर्शन द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एल, टू एम एल बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट एट द जेड एक्सिस, दे elongated. So the bond length of ML at the Z direction is longer as compared to the four ligands that are present on the plane, or we can say that they are present on the X and Y axis. तो यहाँ पर elongation में क्या होगा, जो metal और ligand bond जो Z axis में है वो lengthen हो जाएगा, और जो चार बॉन्ड हैं जो एक्स और वाई डायरेक्शन में हो रहे हैं, एक्स और वाई प्लेन में हैं, वो शॉर्ट होंगे। तो इसको हम कहेंगे इलोंगेशन। तो दिस इज टेट्रागनल डिस्टॉर्शन ऑफ जेड आउट टाइप। नाउ कंसीडर और थिंक अबाउट अ सिचुएशन वेयर द जेड लिगेंड्स विल नो मोर। ऐसी सिचुएशन के बारे में हम सोचें जहाँ पर ये जेड लिगेंड हों ही ना। तो अगर ये जेट लिगेंड होंगे ही नहीं तो फिर क्या सिचुएशन आएगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। आप देख सकते हैं केवल चार लिगेंड हैं, एंड ऑल द फोर लिगेंड्स दे आर इन द एक्स वाई प्लेन, एंड नो लिगेंड इज प्रेजेंट एट द जेड एक्सिस। सो दिस सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सो इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स only four ligands are present, all the ML bonding length is same, and no ligand is present at the Z axis. Now if we see the splitting pattern of a square planar complex, so if we have to think from the initial free metal ion, तो अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग को देखना चाहें तो उसके लिए हमें फ्री मेटल आयन से शुरू करके देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्री मेटल आयन के 5d ऑर्बिटल्स हैं। ओके, देयर आर 5d ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन। देन दीज मेटल आयन्स इफ दे आर स्फेरिकली सराउंडेड बाय द लिगेंड्स, दिस इज द हाइपोथेटिकल स्टेट where you will find that all the d orbitals energy increased but the energy is equal. So these are the degenerate d orbitals again but in no splitting state. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक hypothetical state है जहाँ पर हम अगर माने कि सारे ligand एक तरीके से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन ये सबकी एनर्जी क्या है, बराबर है। सो दिस इज नोन एज नो स्प्लिटिंग स्टेट। नाउ कंसीडर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप कंसीडर करिए एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कि यहाँ पर एक लिगेंड है 1, 2, 3, 4, और अगर दो लिगेंड यहाँ है 5 एंड 6। तब आपने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर इन बिटवीन द एक्सेस, सो दे आर ऑफ लोअर एनर्जी
and the two orbitals that are dx square, y square and dz square, they are having the higher energy. Okay, so splitting takes place as per octahedral field. यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन ऑर्बिटल जो कि टी टू जी सेट में आते हैं उनकी एनर्जी कम है, और दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अधिक है वो ऑर्बिटल जो कि एक्सेस में होते हैं उनकी एनर्जी हायर होती है. एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, दिस इज ई जी सेट एंड दिस इज टी टू जी सेट, सो द डिफरेंस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा ओ. Okay, so this is the octahedral case. Now, think about the tetragonal distortion. And this is a kind of tetragonal distortion that is elongated, or we can say it is jet out kind of distortion. So you can see in case of jet out distortion, because the dz square, the ligand at the z direction, it is far away, so the splitting of dz square will be less, its repulsion will be less, so its energy will decrease as compared to that of dx square y square. अगर हम देखेंगे distortion में elongated की बात हम कर रहे हैं तो elongated में क्या होगा, क्योंकि जो z direction में जो ligand है वो दूर है, तो बिकॉज वो दूर है इसलिए उसकी स्प्लिटिंग, उसकी रिपल्शन कम होगा. सो जो भी जेट से रिलेटेड जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी. तो टी टू जी विल स्प्लिट इंटू डी वाई जेड एंड जेड एक्स एंड डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई की एनर्जी अधिक होगी. यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी अधिक होगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स एक्स वाई प्लेन में हैं उनकी बॉन्ड लेंथ, उनके जो लिगेंड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए यहाँ पर रिपल्शन अधिक होगा. Now think about a situation where the jet ligand removed. अगर jet direction का जो ligand है अगर उसे ही हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो क्योंकि jet direction में there is no ligand. You can see here 1, 2, 3 and 4. So there are only 4 ligands. No ligands in the jet direction. So you can think the orbitals which are present, which are related to the z axis, no repulsion will takes place. क्योंकि वहाँ पर कोई ligand है ही नहीं, तो यहाँ जो z से related जो भी orbitals हैं उनमें repulsion बहुत कम होगा. Repulsion किन का बढ़ जाएगा, जो x और y plane में जो भी ऑर्बिटल आते हैं उनका रिपल्शन बढ़ेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी और बढ़ गई, जो डी एक्स वाई था उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी. क्यों, क्योंकि डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो उस प्लेन में है जहाँ पर रिपल्शन हो रहा है. डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई लिगेंड है ही नहीं, सो इसका रिपल्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, नहीं होगा, इसलिए इसकी एनर्जी कम हो जाएगी. लाइक वाइज यू विल फाइंड द एनर्जी ऑफ डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑल्सो डिक्रीज ड्यू टू नो लिगेंड इन द जेड डायरेक्शन. सो दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. तो ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग पैटर्न है, जहाँ पर आप देखेंगे कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे अधिक होगी, देन डी एक्स वाई की होगी, देन डी जेड स्क्वायर की होगी, देन डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की होगी. यहाँ अगर हम टेट्रागनल डिस्टॉर्शन को फिर से रिकॉल करें तो आप देखेंगे जो डिफरेंस है इन बिटवीन द टी टू जी सेट इज डेल्टा टू, और जो जो ई जी सेट के बीच में जो डिफरेंस था वो था डेल्टा वन. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हो रही है वहाँ पर तीन एनर्जी हमें मिलेंगी. एक हम कहेंगे डेल्टा वन, दूसरी जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा टू, और तीसरी एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा थ्री. ओके, नाउ ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इट्स एनर्जी इज 1.228 डेल्टा ओ, ये डिफाइंड है. ओके, डी एक्स वाई की जो एनर्जी होती है 0.228 डेल्टा ओ, डी जेड स्क्वायर की जो एनर्जी होती है वो होती है -0.428 डेल्टा ओ, एंड जो डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की होती है वो एनर्जी होती है माइनस
0.514 डेल्टा ओ। आप देख सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर एंड डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड दे स्टेबलाइज्ड। ओके, सो वी हैव शोन देयर एनर्जी नेगेटिव बिकॉज देयर एनर्जी इज डिक्रीजिंग, वाइल इन केस ऑफ डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर द एनर्जी इज इन पॉजिटिव बिकॉज द एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ओके, तो हमें जो एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि इस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी इतनी है, डी एक्स वाई की एनर्जी हमें पता है, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी हमें पता है, एंड वी ऑल्सो नो द एनर्जी ऑफ डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। तो हम ये सब एनर्जी जानते हैं। देन एज पर दीज वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स। सो द डिफरेंस बिटवीन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन 1.228 एंड 0.228 विच इज इक्वल टू डेल्टा ओ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा वन जो है वो डिफरेंस है डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, और वो कितना आया डेल्टा ओ। ओके, अब जो डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 0.228 एंड -0.428 के बीच का डिफरेंस होगा, एंड दैट इज 0.66 डेल्टा ओ। एंड इफ वी सी द डिफरेंस बिटवीन दिस द डी जेड स्क्वायर एंड डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, देन वी विल फाइंड द डिफरेंस इक्वल्स टू 0.086। It is not the negative, it is 0.086. Okay, so we can see here delta 1 is there, delta 2 is there, and delta 3 is there. So if we add all these three energy differences, then we will get delta 1 plus delta 2 plus delta 3, which is equal to delta SP. And this delta SP is called as, this is the crystal field stabilization energy of square planar complex. ये जो अगर हम डेल्टा वन को जोड़ दें, अगर हम डेल्टा टू को जोड़ दें, डेल्टा थ्री, ये जो डेल्टा थ्री की वैल्यू है इट शुड बी 0.086 डेल्टा ओ, माइनस साइन को आप हटा दीजिएगा। तो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो आप देख भी सकते हैं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये देखिए डेल्टा ओ से इतना अधिक है, इसका मतलब है कि जो एनर्जी डिफरेंस जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का होता है और जो स्क्वायर प्लेनर का होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं कि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो सीएफएससी है वो बहुत अधिक होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सीएफएससी से। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, डेल्टा एसपी जो है वो जो डेल्टा ओ है उससे बहुत अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि डेल्टा ओ तो केवल डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच का डिफरेंस है, जबकि डेल्टा एसपी में ये डेल्टा ओ भी है, 0.66 डेल्टा ओ है एंड 0.086 डेल्टा ओ है। तो हमेशा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है एनर्जी, दैट इज वेरी हाई। नाउ इफ वी कैन ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, अगर हम तीनों वैल्यू को जोड़ दें, एक वैल्यू थी डेल्टा ओ, दूसरी वैल्यू थी 0.66 डेल्टा ओ एंड तीसरी वैल्यू थी 0.086 डेल्टा ओ। सो अगर हम कैलकुलेट करें, जोड़ दें, तो वी विल फाइंड द डेल्टा एस पी इज इक्वल टू 1.74 डेल्टा ओ। सो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सी एफ एस सी फॉर मोस्ट ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 3D सीरीज। ओके, now if you see the experimental CFSC of square planar complex of 4D and 5D series complexes like palladium and platinum, then it is
1.3 डेल्टा ओ। और आपने यही पढ़ा होगा कि जो जो स्क्वायर नेल कॉम्प्लेक्स की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो 1.3 डेल्टा ओ होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और ये पैलेडियम और प्लेटिनम के सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस के लिए ट्रू पाई गई। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एस पी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। ओके, नाउ वी विल सी विच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो हमें अब ये देखना है कि कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। तो ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है कि जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? एक है D8 मेटल आयन ऑफ निकल टू कॉम्प्लेक्स। तो जो D8 मेटल आयन है 3D सीरीज का निकल का जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा जिनमें भी D8 कन्फिग्रेशन होता है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। स्पेशली इन केस ऑफ निकल 2+ विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लाइक साइनाइड, दे शो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आई हैव शोन यू इन द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑल्सो, ये एग्जाम्पल मैंने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में भी दिया है कि जो निकल के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या होते हैं, वो उनका जो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये आपको बताया था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पर जो ईजी सेट होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट आ जाती है, और उसको रिमूव करने के लिए, डीजेनरेसी को रिमूव करने के लिए इट बिकम्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा आप देखिए कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि क्यों कॉम्प्लेक्स हैं जो कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं, वो कौन से हैं? सेकेंड यानी 4D सीरीज, थर्ड यानी 5D सीरीज, जो सेकेंड और थर्ड रो है, या फिर 4D एंड 5D सीरीज के जो डी मेटल आयन्स हैं, दे देमसेल्व्स जनरेट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, आपको बार बार याद रखना है कि जो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, मेटल आयन्स हैं, वो अपने आप वो स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करने का मतलब है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो वो इस पर डिपेंड नहीं करते हैं कि लिगेंड कैसे जुड़े हैं, जबकि 3D सीरीज का मेंबर इस पर डिपेंड करता है कि उसके साथ कैसे लिगेंड जुड़े हैं। तो अगर 3D सीरीज के D8 मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं तभी वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नहीं तो वो क्या बना सकता है, इफ़ इट इज़ टेट्रा कोऑर्डिनेटेड तो इट कैन फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। बट इन केस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, क्योंकि इटसेल्फ दे क्रिएट्स दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड, सो दे यूजुअली फॉर्म्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जैसे आप देखेंगे पैलेडियम एंड प्लेटिनम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। Now, how to calculate the crystal field splitting energy of square planar complexes? तो आपने देखा जैसे कि हमें relative energies various orbital की पता है। For dx square y square, it is 1.228 delta O. For dxy, it is 0.228 delta O. For dz square, it is minus 0.428 delta O. And for dxy and yz, it is minus 0.514 डेल्टा ओ। तो ये हमें पता है कि इनकी एनर्जी क्या है, सो डेल्टा ओ इज ऑल्सो देयर विद दीज वैल्यूज। नाउ इफ वी नो द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, देन वी कैन कैलकुलेट द CFSC ऑफ दिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमें ये पता हो कि पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फॉर्मूला वेयर पी क्या है,
ये जो एनर्जी है किस ऑर्बिटल की थी, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की। तो पी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डी एक्स जेड और डी वाई जेड में कितने हैं। ये जो एनर्जी थी, रिलेटिव एनर्जी, वो किस में थी, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए थी। तो ये क्यू क्या है, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। 0.228 इज द एनर्जी फॉर the electrons present in dxy. So r is the number of electrons in dxy, while the s is the number of electrons in dx square y square. So with the help of this formula, we can calculate the crystal field splitting energy of square planar complex. तो इस formula की help से हम square planar complex की crystal field splitting energy calculate कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे हम क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो अगर हम CFS से कैलकुलेट करें D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, देन इट इज़ 2.456 डेल्टा ओ और 24.56 डी क्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये जो डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड में जो इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार को मल्टीप्लाई करेंगे -0.514 से, देन टू विल बी मल्टीप्लाइड विथ -0.428। ओके, देन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो इनको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.228 से। सो जो भी आएगा कैलकुलेट होके, दैट देर आर नो इलेक्ट्रॉन इन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसलिए जो है जो भी कैलकुलेट होके आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2.456 डेल्टा ओ और 24.56 डी क्यू। अब देखिए ये जो D8 कॉन्फ़िगरेशन है निकल का, आप देख सकते हैं कि ये बहुत यहाँ पर क्या होती है कि ये जो डी एक्स वाई में जो इलेक्ट्रॉन है, और डी एक्स देखिए स्प्लिटिंग कैसी हो गई स्क्वायर प्लेनर की, तो क्योंकि यहाँ पर डी जनरेसी आ गई थी, देखिए दो इलेक्ट्रॉन किस में थे, यहाँ पर आ गए डी एक्स वाई में, तो इस वजह से स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग हो जाती है डी एट कन्फिग्रेशन। अगर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के साथ होगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई, देखिए तो देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसलिए ये कैसा है, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो हम यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को भी बता सकते हैं, और इसकी इस जो व्हाई इट इज़ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि जो दो ऑर्बिटल थे, जो इसलिए जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर थे पहले, उनमें क्या हो गई, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ही ऑर्बिटल में थे। ओके, तो या तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, डी जेड स्क्वायर में प्रेजेंट थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डी जेनरेसी आ गई, उस इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेसी जो इलेक्ट्रॉन जो स्टेट की थी उसको ख़त्म करने के लिए क्या हो जाता है, जो पहले टेट्रागनल डिस्टॉर्शन, उसके बाद वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, और ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक नेचर में। तो अगर हम बात करें लेंथेनाइट्स की एंड एक्टिनाइट्स की, देन वी विल फाइंड दैट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट इज वेरी मच स्मॉलर then to that in the elements of 3D series. और crystal field splitting जो actinides elements की होती है वो थोड़ी अधिक होती है। तो इस तरीके से हम, क्योंकि बहुत सारे configurations हमारे पास नहीं होते हैं square planar geometry को study करने के लिए, square planar geometry कब आई, जब निकल में या 3D कोई भी D8 configuration हो वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर उसके साथ अटैच्ड होंगे, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब 3D सीरीज के साथ क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, या फिर अगर 4D और 5D के जो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कोई भी लिगेंड उनके साथ हो, दे फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस।
So now we will give some concluding remarks to this lecture. And in this lecture, we have studied about the square planar complexes crystal field splitting. तो कैसे उनकी crystal field splitting होती है उसको हमने समझने की कोशिश करी with the help of octahedral. हमने उसको octahedral से start किया. Octahedral complex में अगर tetragonal distortion हो elongated तो जो स्प्लिटिंग हो जाती है ई जी की और टी टू जी की. देन अगेन अगर दो जो लिगेंड्स हैं अगर उनको हटा दिया जाए देन वी विल फाइंड दी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. और वहाँ पर आप देखेंगे जो एनर्जी का जो क्रम है ऑर्बिटल्स का सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की. देन किसकी है डी एक्स वाई की. देन किसकी है डी जेड स्क्वायर की. देन किसकी है डी एक्स वाई जेड एंड डी जेड एक्स की. तो अगर हमें पता हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस ऑर्बिटल में कितने हैं देन वी कैन कैलकुलेट इजीली द सीएफएससी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स. ओके और हमने देखा मैक्सिमम जो केस है वो 3D के जो और जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं जिनका D8 कन्फिग्रेशन होता है मेटल आयंस वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. और अगर हम 4D और 5D सीरीज की बात करें तो वो हमेशा क्या बनाते हैं अगर वो 4 coordinated है then they also always forms square planar complex irrespective of the type of ligands. So this is all about the crystal field splitting of square planar complexes. Thank you very much.